आज दतिया पुरानी कलेक्ट्रेट में पंकज दुबे, अंकित पराशर, सुदीप शर्मा दतिया एसएसपी को आवेदन देने दतिया पहुंचे। आरोपियों द्वारा उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकी एवं आरोपियों द्वारा राजीनामा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर राजीनामा नहीं किया तो अभी तो मारपीट की है, आगे चलकर जान से खत्म कर देंगे। दरअसल 2 फरवरी की रात करीबन 10:30 बजे पंकज दुबे, अंकित पाराशर, सुदीप शर्मा, संजय दुबे निवासी बड़चोली पाल ढाबा भांडेर पंडोखर रोड पर खाना खा रहे थे। तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 5 लोग उतरे और ढाबा पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया और डंडे लाठी लोहे की रॉड से मारपीट की और बीच रास्ते में पटक कर चले गए, जिससे आसपास के लोगों ने पंडोखर थाना पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को भांडेर इलाज के लिए भर्ती कराया। हालत इतनी गंभीर थी कि भांडेर से दतिया रेफर किया। दतिया जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। घायलों को पुलिस ने ग्वालियर इलाज के लिए भर्ती कराया एवं आरोपियों के खिलाफ 307 का मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, फरियादियों को आए दिन धमकी दी जा रही है। पंडोखर महाराज एवं रिश्तेदार द्वारा धमकी दी जा रही है कि राजीनामा नहीं किया तो जान से खत्म कर देंगे और झूठे केस लगवा कर जिंदगी भर के लिए जेल में भिजवा देंगे। इसकी शिकायत करने के लिए सभी फरियादीगण दतिया एडिशनल एसपी आरडी प्रजापति को आरोपियों की शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद एसएसपी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मेरे साथ 3 मित्र और हम लोग पाल ढाबा पे भोजन कर रहे थे, तभी पंडोकर सरकार के कुछ मिलने वाले उनके रिश्तेदार बहनोई, उनका भाई और उनके कुछ गुंडे आए वहाँ पे पाल ढाबे पे, हम लोगों को उठा के ले गए, रोड पे डाल के मारपीट की हम लोगों के साथ, पर गाड़ियों में डाल के अपनी फॉर्चूनर स्कॉर्पियो मंदिर प्रांगण में ले गए, वहाँ जाके गोली मारी। यहाँ जब वो मंदिर पे थे उनने फायर की, हम लोग डर गए उनके फायरों से, तो उस डर के चक्कर में उन लोगों ने हमें गाड़ियों में डाल लिया और अंदर ले गए मंदिर के। वहाँ डंडों से, कुल्हाड़ी से, बेल्टों से, लोहे की रोडों से हम लोगों की मारपीट की। फिर जब हम लोगों ने FIR करा दी उनके ऊपर, कायमी हो गई उनके ऊपर, तो उनके मतलब उनका हम लोगों के ऊपर बहुत प्रकार से दबाव आ रहा है कि आप लोग राजीनामा कर लें, नहीं अगर राजीनामा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर से उठवा लेंगे। होटल में कुछ लोगों में विवाद हो गया था और एक पक्ष की बहुत मारपीट की गई है, जिसके सिर और अन्य जगह पर चोटें आई हैं और उनका अभी ग्वालियर अस्पताल में भर्ती है वो, तो उसमें धारा 307 और 392 के तहत प्रकरण कायम किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अब जैसी स्थिति उसमें आएगी वैसे ही विवेचना में कार्रवाई करेंगे। हाँ, आरोपी उसमें 3 आरोपी नामजद हैं और बाकी 5-6 अन्य लिखाए गए हैं, अब जो अन्य हैं उनकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं कौन थे वो लोग। दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।